तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉर्क मास्टर चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू जनरेशन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें कितना परफॉर्मेंस में इम्प्रूव किया है, इसका टॉप स्पीड क्या है, साथ में इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है और माइलेज कितना देती है, सारे डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना। तो ये है क्लासिक 350 न्यू जनरेशन। आप देख सकते हैं, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। एक बार इसका साइड लुक देख सकते हैं आप, एक बार रियर से भी देख सकते हैं। दिखने में काफ़ी मस्कुलर और एट्रैक्टिव लगने लगी है अब। थैंक्स आरी फॉर सेंडिंग मी दिस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो गाइस, पहला चेंज आपको इसमें दिखेगा कि इसमें आपको क्लियर लेंस हेडलैम्प मिल जाती है, जिसका परफॉर्मेंस नाइट में काफ़ी ज़बरदस्त है। इसमें भी आप देख सकते हैं आरी की बैजिंग मिल जाती है आपको, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। साथ में आपको यहाँ पे पायलट लैंप्स मिल जाते हैं दो। इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी हैलोजन में है। क्लासिक 350 न्यू जनरेशन में हमें हजार्ड लाइट का स्विच भी सेपरेट मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में देख सकते हैं आप, इसका जो टायर साइज़ है आगे का वो 100 सेक्शन वाला है, यानी बहुत ही बड़ा कर दिया है पहले से, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसका साइज़ मैं एक बार आपको बताता हूँ कि 100x90x19 इंचीज़ की ये स्टील रिम है। आप देख सकते हैं बाइब्रेक के आपको कैलिपर्स मिल जाते हैं। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है पहले से। और डिस्क देख सकते हैं आप, और इसकी जो साइज़ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ABS की रिंग है, ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है आपको इसमें, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ये जो पूरा मिल जाता है आपको, ये मेटल का है, फाइबर नहीं यूज़ किया है, जिससे ये काफ़ी हेवी बन जाती है। इसका चलाने का जो फील है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है पहले से। बाद में आप देख सकते हैं इसका जो इंजन है वो पूरा नया है। 349cc का ये जो इंजन है वो लगभग 20 bhp के पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। सिटी में इस बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसका जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। कौन से में गियर में आप हो तो आप इजीली इसे खींच सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रियर कैलिपर के लिए यहाँ पे फ्लूइड डालना पड़ता है आपको। साथ में जो इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी लॉन्ग है। इसकी आवाज़ भी आपको एक बार सुनाता हूँ मैं। आरी की बैजिंग देख सकते हैं आप, काफ़ी प्रीमियम लगती है। साथ में यहाँ पे टैंक ग्रिप मिल जाती है आपको। ब्रेक पे आप देख सकते हैं ये जो ब्रेक का पेडल है, यहाँ पे भी आपको रबर मिल जाता है, जिससे काफ़ी इजीली आपके वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। साथ में इसका जो सीट का कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है गाइस। सीट का कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। तो हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। चाबी ऑन करने के बाद ये स्वाइप होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर मिल जाता है, और यहाँ पे जो आई का स्विच है देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई का स्विच है, इससे यहाँ की इंफॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ट्रिप वन ट्रिप टू। साथ में क्लॉक, ओडोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। साथ में ये जो आरी की बैजिंग है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है देखने में। स्विच गियर की बात करें तो स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मिल जाता है, और ऐसे ऑन कर सकते हैं आप इसे। अब ये ऑन हो गई है, और साथ में यहाँ पे भी हेडलाइट के जो स्विच है, ये पास का स्विच, यहाँ पे हॉर्न, हॉर्न का जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं, ऐसा कुछ मिल जाता है आपको। टैंक की बात करें तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मस्कुलर लगता है देखने में। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनते हैं हम।
ऐसा किल कर सकते हैं आप इसको। इसका जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी बेसी है पहले से, जिससे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वाइब्रेशंस की बात करें तो गाइस वाइब्रेशन बहुत ही कम हो गए हैं। आप इजीली 80-90 किलोमीटर्स पर आवर तक क्रूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ है। इसके रियर टेल लैम्प्स देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ मिल जाते हैं आपको। और ये जो इंडिकेटर है वो भी हैलोजन में मिल जाता है। रियर टायर की बात करें तो रियर टायर आपका 120 सेक्शन का है 18 इंचेस में। और इसका जो डिस्क ब्रेक है उसकी साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके सस्पेंशंस बहुत ही कंफर्टेबल है, साथ में इसका माइलेज भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। 30-35 किलोमीटर्स पर लीटर तक इजीली अचीव कर सकते हैं आप। साथ में इसकी जो चेसिस है वो भी नई है, जिससे इसकी हैंडलिंग पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। साथ में इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पहले से काफ़ी बढ़िया हो गया है। और ओवरऑल इसका जो लुक है वो पहले से काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी इंजन चालू है और अगर मैंने गियर में गाड़ी डाली, फर्स्ट गियर में शिफ्ट हो गई है, अगर मैंने स्टैंड लगाया तो इंजन ऑफ हो जाता है। देखिए ये बहुत सेफ्टी वाला फीचर है और काफ़ी ज़रूरी भी। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करना, और ऐसे ही नए वीडियो में लाता रहूँगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।